भाई साहब इतना मजा रहा, मैं तो मोदी जी से कहता हूँ भाई साहब आज भी फैसला मत करिए दो, फैसला मत करिए दो, मत करिए दो। ये डिमांड आई है कहते फैसला ना करिए, मजा आ रहा है। प्यास ये पगड़ी बांधे मेरे को ले भाई, आप भाई भाई पगड़ी तो बांध दी, पर इसके मायने बता दी नहीं पाते सरदार जी ने आपको, मायने क्या है, पगड़ी कैसे खोलनी कैसे बंद करनी सरदार जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा यूँ बता दो कहाँ से हो आप, रामायण टोल नक्के पे इस वक्त गाड़ी रुका रहे? मैं, मेरा गांव है खरड़ अलीपुर गांव है मेरा। हाँ जी, तो आप सिख हो या पगड़ी वैसे ही बंधी हुई? ये मेरा भाई है ना, मैं हिंदू, ये सिख है, कोई मुस्लिम है कोई ईसाई है, इसने प्यार से ये पगड़ी बांधे मेरे को ले भाई, आप भाई भाई है। पगड़ी तो बांध दी, पर इसके मायने बता दी नहीं बता दी सरदार जी ने आपको, मायने क्या है, पगड़ी कैसे खोलनी कैसे बंद करनी सरदार जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बता दिए। मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, इसने भाईचारा सिखा दिया, हरियाणा पंजाब भाईचारा एक है। मजा आ रहा है किसान आंदोलन में? भाई साहब इतना मजा रहा, मैं तो मोदी जी से कहता हूँ भाई साहब आज भी फैसला मत करिए दो। ये डिमांड आई है कहते फैसला ना करिए, मजा आ रहा है, मजा भाईचारे में आ रहा है, खान पीन में आ रहा है, या वो एक वो कहावत है बोला भी तो ना, मजा किस तरह आवे, बोला भगदड़ माजर में कहूँ बैठ जो जब मजा आवे। भाई साहब अपन मजा नू आवा है, जे पंजाब वाले भाई चाले दे खट्टर ने सड़क खोद दी, भाई सड़क किसकी है, हमारी सड़क है ये भाई साहब, खट्टर ने सड़क खोद दी कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब किसके पैसे की सड़क थी, वो आम जनता के पैसे की सड़क भाई साहब, हम लोग पैसे की सड़क। लेकिन बेरा आज इसने एक इतना बढ़िया काम कर दिया दिल्ली में, भाई साहब हिंदू भी है मुस्लिम भी है सिख भी है ईसाई भी है, हर भाई वहाँ पे बैठा, बड़े भाई अब मजा आ रहा भाई, मैं तो ये लोगों भाई ज्यादा मजा आ रहा। थोड़ा और एलोबरेट करो भाई, ये समझौता नहीं हो तो मजा आवे, इसके पीछे के वजह है भाई साहब? समझौता तो इनका नाक में दम मारा होगा भाई साहब, अनाज कौन कौन खाता भाई साहब, 135 करोड़ 45 करोड़ जनता सारे अनाज खाओ भाई साहब, सबको पता भाई साहब फैसला हो बिना तो काम चल रहा है कोने। लेकिन आपने भी कहा था कि तभी ये नहीं होगा तो बोला मजा से आ रहा है, नहीं मजा तो इसलिए भाई साहब भाईचारा कह रहा कि इनको पता चल गया ना आज स्वदेश भाई, आज इनको पता चल गया भाई भाईचारा क्या चीज हो, हम तो भूल गए थे भाई साहब, ये चीज बताओ इन्हें तो बोला एसवाईएल का पानी लेके तो राजनीतिक जो लोग होते हैं ना वो भाईचारे को तोड़ के मजा आता है, लेकिन ये उल्टा हो गया इस बार जो है इस मामले में भाईचारा जुड़ गया। बिल्कुल जुड़ गया भाई साहब, देखो राजनीति अलग है भाई साहब, हमने राजनीति है कोई मतलब नहीं भाई साहब, यहाँ पे ना राजनीति के जो आते हैं ना अपने बैठ के चले जाओ, किसी को माइक नहीं है, आम आदमी को माइक मिलता है यहाँ पे, तो बोल भाई किसानों के बारे में क्या बोलना है स्वदेश भाई, बहुत मजा आ गया भाई। अच्छा भाई साहब आपसे बात कर लेते हैं, आप कहाँ से हैं? हिसार से हूँ। अच्छा क्या कहोगे यहाँ, क्या ड्यूटी दे रहे हैं, किस तरह से आए? सेवा कर रहे हैं सर, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं हो जाता, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती, जब तक खड़े हैं। बारिश भी आ रही है, कल भी बारिश आई थी, आज भी थोड़ी बूंदाबांदी आई थी, लोगों को बड़ी तकलीफें हो रही है टिकरी। कुछ भी तकलीफ नहीं है, चाहे आंधी आए चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए, हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, कुछ भी तकलीफ नहीं है। यहाँ पे शेड लगा है लेकिन हम उसके अंदर हो जाते हैं तब यहाँ थोड़ी सी सेवा रुक जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उससे, आधा घंटा एक घंटा ही होती है उससे कोई दिक्कत। मामले के बाद में जो 3 कृषि कानून आए उसके बाद से खिलाफत बढ़ गई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं उनकी भी खिलाफत लोग कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, अगर मान लीजिए फैसला हो जाता है समझौता होता है तो क्या वो जो खिलाफत थी वो फिर से प्यार प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी या खिलाफत रहेगी? वो तो देखो जी, जब एक बार दरार पड़ जाती है वो तो पड़ ही जाती है जी। अब मोदी जी मतलब इतना कुछ उन्होंने, अब हरियाणा सरकार को ही देख लो, कल भी मेरे ख्याल शाम को 4-5 बजे सुबह किसान भाइयों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, गाजियापुर से वो आ रहे थे शायद दिल्ली की साइड, न्यूज़ पे काफ़ी वायरल हुआ है, तो ये तो अब बर्दाश्त से लायक नहीं है। और वो आंसू गैस के गोले भी ऐसे थे जो नीचे जाके फट रहे थे, मतलब मैंने आज सुबह ही देखा न्यूज़ में कि जैसे वो ऊपर खड़े थे पुलिस वाले, हरियाणा पुलिस वाले, जैसे वो गोले किसानों पर गिरे तो वो नीचे जाके वो फट रहे थे, और उसकी वजह से एक आधे किसान, हाँ शायद एक्सपायरी डेट वाले थे शायद, और एक किसान को भी चोट लगी उसमें, और एक ट्रॉली पे भी आग लग गई थी उससे। मतलब आप तो ये कह रहे हो नहीं जाएगा, ये जख्म ऐसा दे दिया हरियाणा सरकार, ये गांठ जो है पड़ गई है फिलहाल? हाँ, फिलहाल पड़ गई है, आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल पड़ गई है, जो 10-15 साल तक भी नहीं खुल सकती आई थिंक सो। इस पे आप कमेंट करना कि गांठ पड़ गई है, गांठ ढीली हो जाएगी या गांठ नजर आएगी कि नहीं आएगी अगर समझौता होता है, तो इस पे आप जरूर कमेंट करना। आपका क्या नाम है? राजू भाई साहब। कहाँ से हो? खरड़ से। खरड़ से हो, क्या कहोगे आंदोलन? आंदोलन हमारे ये कहोगे हमारा भाई सोल्यूशन हो जाए, हमारी जो मांगे वो पूरी करते, हमें कोई दिक्कत नहीं। टोल तो
बंद ही रहेंगे जब तक फैसला नहीं बंद रहे, जब तक नहीं सोल्यूशन होगा ना समाधान नहीं, टोल बंद रहेंगे। यहाँ इस नाके पे रामायण टोल पे कितने लोग तकरीबन ठहरते हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं? आने जाने वाले कम से कम शाम तक 4 या 5 हज़ार बंदे ठहर जाते हैं, मतलब कुल मिला के पानी करते हैं और आगे करीब करीब 5,000 लोगों का इंतजाम यहाँ पर है, चाय का, नाश्ते का और तमाम फैसिलिटीज हैं। रुकते भी हैं यहाँ पर कुछ मिनट के लिए, ठहरते भी हैं, आराम भी कर सकते हैं और नाश्ता करके फिर वो आगे निकलते हैं। इधर पंजाब है और मेरे सामने जो है वो दिल्ली का रास्ता है, तो दिल्ली पंजाब रोड है, ये नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रामायण टोल प्लाजा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपके कमेंट आप जरूर नीचे लिखें और आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार।